असलकुम वेलकम टू हार्ट टू आर्ट ये एक सीरीज़ ऑफ़ कॉन्वर्सेशनस हैं जिसपे हम आर्टिस्ट से बात करते हैं उनकी प्रोसेस के बारे में और उनके प्रैक्टिस के बारे में आज हमारे साथ मौजूद हैं वहीदा बलोच जो एक क्यूरेटर आर्टिस्ट और आर्ट एजुकेटर हैं वेलकम, वहीदा वहीदा आपकी तो बड़ी एक वसी और इंटरेस्टिंग आर्ट प्रैक्टिस है जिसमें आप आर्टिस्ट हैं परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं और क्यूरेटर एज़ वेल एज़ आर्ट एजुकेटर हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ योर आर्ट प्रैक्टिस विच इज़ प्राइमेरली कुछ सालों से मैं देख रही हूँ आप परफॉर्मेंस की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है और आप यू you नो know, बड़े परफॉर्मेंसिस करिए जैसे कराची बेनाल में फर्स्ट और सेकंड में भी आपने परफॉर्मेंस की और मुख्तलफ़ गैलरीज में भी आपने परफॉर्मेंस की तो कुछ उसके बारे में बताएं कि इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ शुक्रिया नीलुफ़र और मेरी परफॉर्मेंसेस का आ, बेसिकली ताल्लुक मेरी एजुकेशन से है जो ग्रोथ मेरी आर्ट प्रैक्टिस में हुई क्योंकि पहले एज अ पेंटर एज एन आर्टिस्ट मैंने फाइन आर्ट्स की एजुकेशन ली जो कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल वे में पेंटिंग Uh, के ऊपर ज़्यादा तोजा दी जाती है लेकिन जब मैं स्टॉकहोम uh, यूनिवर्सिटी गई वहाँ पे uh, बाकायदा मेरा एक इंटरेक्शन हुआ स्पेशली टीनू सेगाल की जो परफॉर्मेंसेस थी वो मैंने लाइव देखी उनसे मुलाकात हुई टॉम फ्रीडमैन से मुलाकात हुई और काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि मेगासन थ्री एक प्राइवेट म्यूज़ियम है तो मैगसन थ्री के जो ओनर थे ही वॉज़ माई टीचर and uh, the chief curator was also my teacher so they were our mentors they were calling us to talk to artists personally on their practices we bought suba seminars with <laughs> it engaged with it every day kasina kasina museum just like तानिया ब्रुगेरा मुझे याद आता है हमारी बात पहले भी हुई थी तो उनसे भी मुलाकात हुई और भी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल अमेरिकन आर्टिस्ट्स का बहुत आना था स्टॉक में सो so, uh, मेरी प्रैक्टिस एक्चुअली पेंटिंग में हम बहुत लिमिटेड ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्शन होता है और परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर uh, किया उन परफॉर्मेंसेस ने जो कि पॉलिटिकल पर्सनल एंड पब्लिक को इंगेज करती हैं और एक नया मीडियम मतलब एज क्यूरेटर भी मैं देख रही थी और एज़ एज एन आर्टिस्ट आर्टिस्ट को हम मार नहीं सकते थे जब मैं क्यूरेटोरियल स्टडीज़ कर रही थी सो वहाँ से ये थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में बनना शुरू हुआ और फिर बाद में आ, प्रैक्टिस की तरफ जब आई तो लिखने का ज़्यादा था तो लिखने में रिसर्च बेस्ड जो सारी चीज़ें थी उनको परफॉर्म परफॉर्मेंस में लाना बहुत मेरे लिए एक आसान था कि एक बार परफॉर्मेंस होनी है उसके लिए कोई स्टूडियो आपको नहीं चाहिए वो दिमाग में बन रहा है आपके और हाउ टू परफॉर्म सर्टन आइडिया सो तो पब्लिक के साथ इंगेज होना मेरा एक बेसिक था एज एन आर्ट एजुकेटर भी पब्लिक ही होती है हमारी ऑडियंस हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। हम कुछ बोले बगैर कुछ आ, अपने एक्शंस के थ्रू अगर एक मैसेज कन्वे करते हैं वो लार्जर पब्लिक को इंस्पायर करता, करता है क्योंकि परफॉर्मेंस आर्ट एक नया जॉनरा है तो शायद लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस थिएटर से कैसे मुख्तलिफ है तो कुछ आप बताएंगी कि आपके समझ में ये क्योंकि आपने क्यूटोरियल स्टडीज़ में और जैसे आपने अपना बैकग्राउंड बताया परफॉर्मेंस uh, आर्ट में कि आपने इसको कैसे समझाया अगर आपसे कोई पूछे तो हाउ वुड यू डिफ़ाइन परफॉर्मेंस आर्ट डिफरेंट फ्रॉम थिएटर एंड यू नो परफॉर्मिंग आर्ट्स बेसिकली परफॉर्मेंस आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट में फ़र्क ये है परफॉर्मिंग आर्ट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट और हम एज एन आर्टिस्ट परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एंटरटेन करें आपके इमोशन्स कहीं और भी जा सकते हैं आप एक डायलाग क्रिएट करते हैं अपने ऑडियंस और अपने दरमियान और कुछ चीज़ें जो कि मोमेंट्री होती हैं बहुत मोमेंट में आप होते हैं डॉक्यूमेंटेशन तो होती है लेकिन उस वक्त में जो एक ट्रांस क्रिएट होता है जो एक आपका कनेक्शन बनता है अपने ऑडियंस के साथ और क्वेश्चन आते हैं जस्ट लाइक like मेरी परफॉर्मेंसेज में मुझे बहुत आम लोगों ने आके क्वेश्चन किया दैट वॉज द थिंग आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन पीपल लाइक मैं किताबों में से इरेज कर रही थी और डिलीट कर रही थी काफ़ी चीज़ें मैं मैंने इरेज कं और उनको सेंसर किया ट्स्ट बुक जब मैं कर रही थी तो एक कोई um, अंकल आए वो और आके कहने लगे कि आप क्या कर रही हैं कैसे कर रही हैं क्यों कर रही हैं तो दैट क्यों इज बेसिक थिंग जो कि हमें थिएटर uh, और एंटरटेनमेंट uh, और उन चीज़ों से अलग करती और मे बी द ऑफ इट इज़ वेल एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली और अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग ये कि हम uh, ना डांस करें ना कोई और चीज़ करें एक मखसूस इंटरवेंशन है मतलब इट्स एन इंटरवेंशन इन पब्लिक स्पेस और द गैलरी स्पेस भी क्योंकि गैलरी स्पेस एक वाइट क्यूब अगर हम देखें वाइट क्यूब में एक सर्टन सेटिंग में पेंटिंग्स लगी होती हैं और वो पेंटिंग्स लगी हुई हैं एक सर्टन माहौल होता है कि जी आर्ट गैलरी में आएंगे और हम सिर्फ पेंटिंग्स uh, को देखेंगे स्कल्पचर्स को देखेंगे ट्रेडिशनल फॉर्म्स को देखेंगे लेकिन जब आप जाते हैं इट्स ऑल्सो उ द शॉक शॉक ऑफ द न्यू जो बोलते हैं तो ये वो भी है कि एक गैलरी स्पेस में एक इट्स नॉट अ स्टेज इट्स अमंग द ऑडियंस देर इज सर्ट एक्टिविटी विच इज़ हैपनिंग एंड यू हैव सम क्वेश्चन अबाउट इट यू वॉन्ट टू रेस सम क्वेश्चन डायलॉग्स सो दैट्स वॉट परफॉर्मेंस इज़ ऑल अबाउट आपकी जो परफॉर्मेंस थी आब हयात जो आपने बाग़ना में की फॉर द सेकेंड कराची बेनल वो काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ आपने की और इट वाज यू नो इट वाज अ बिग परफॉर्मेंस तो उसकी तैयारी और उसके आइडिया आपको कैसे आया uh, कैसे आपने uh, करा वो जो लोकेशन लुक, थी उसको इस नैरेटिव के साथ जोड़ा देखिए मेरा काम रिसर्च बेस्ड काम है तो जब परफॉरमेंस आर्टिस्ट की कॉल आई कराची बिनाल के लिए तो उसमें बेसिकली आ, मुझे ये था कि परफॉर्मेंस आर्ट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस तो कर लेते हैं लेकिन हम कोई इश्यूज जो हैं मेरी सारी परफॉर्मेंसेज़ में बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारा टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है पीछे तो वो एक जगह जो आब हयात मैंने परफॉर्मेंस की थी उसके लिए एक ख़ास मखसूस जगह साइट स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस थी मैं वो कहीं और नहीं कर सकती क्योंकि एक जो बहरिया आइकॉन टावर है और जो उसकी सराउंडिंग्स हैं सामने वो रोड चेंज हो चुका है उसका लैंडस्केप चेंज हो चुका है बाग़ कासिम है और फिर उसके साथ साथ वो जो हवा बंदर है तो जहांगीर कोठारी है तो एक हिस्टोरिकल नरेटिव है उसके साथ एक मंदिर है तो उनकी जो लोकेशंस हैं वो किस तरह से डी लोकेट हो गई हैं उनकी एक पॉलिटिक्स ऑफ डी लोकेशन ऑफ सर्टेन लैंडस्केप तो वो मेरे जहन में चल रही थी क्योंकि मैंने जब उस जगह को उस विज़िट किया फिर एक ये आ, मैंने हिस्ट्री में जाके बहुत सारी चीज़ें देखी कि हिस्टोरिकली व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट स्पेस और उसके साथ साथ फिर बाग़ इबन कसम जो है वो एक फ़िरदौस के पैटर्न पे बना हुआ है और वहाँ पानी का एक सामने समंदर खड़ा है और कराची हमारा शहर है तो वो सारा एक सिनेरियो था कि बैकग्राउंड पे आप देखते हैं कराची शहर पानी की कमी है समंदर हमारे पास है और बीच में ये जन्नतुल जन्नतफरदस है तो आब हयात इस सारे उस सिनेरियो में निकला कि फिर भी हम पानी के लिए जो है वो तरस रहे इट वेरी रेलेवेंट वेरी और काफ़ी बड़े ग्रुप के साथ आपने ये किया तो क्या आप अपने यू नो you know, जो परफॉर्मर्स आपके साथ होते तो उनको ट्रेन करती हैं उनके साथ डिस्कशंस करती हैं और वो प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं किस तरह से आप एक ग्रुप के साथ आ, जी। मैंने डिस्कशंस किए ये पहला मेरा ऐसा था कि जो मैंने ग्रुप के साथ किया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्पेस था और मैं ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी लेकिन फिर भी मुझे ग्रुप के साथ आना पड़ा क्योंकि एक नई तरह से हम चीज़ कर रहे थे तो ग्रुप को इन्वॉल्व किया उनके साथ डिस्कशंस किए और फिर उनको ट्रांस में लाना तो वो एक बहुत सारी चीज़ें थी और वो नए आर्टिस्ट भी थे उसमें और आर्ट स्टूडेंट्स थे तो एक और डायलॉग क्रिएट करना कि उनको भी इन्वॉल्व करना अपने साथ डायलॉग की एक सिचुएशन में लाना एक तो परफॉर्मर्स के बीच में भी एक डायलॉग था दे वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम आई डूइंग दिस और ये क्या आइडिया है और परफॉर्मेंसेस कैसे करते हैं आई होप के उनमें से काफ़ी सारे लोग निकलेंगे जो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस करेंगे तो यू नो अगर हम आपकी uh, you know, क्यूरेटोरियल प्रैक्टिस के बारे में बात करें uh, आपने स्टडी किया है यू नो क्यूरेशन एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी उसमें मास्टर्स किया है तो वो तजर्बा आप अपने काम में लेकर आई हैं मुझे याद है सबसे पहले शायद आप नया ग्रेजुएट किया था आपने अब ऑब्जेक्ट्स आइटम्स ऑफ यूज यूज आपकी नुमाइश थी जो आपने यहाँ लेकर आई थी आप कराची आइटम्स ऑफ ऑफल यूज़ व्हिच वाज हेल्ड एट द वीएम गैलरी एंड उसमें कुछ स्वीडिश आर्टिस्ट भी थे और कुछ आ, पाकिस्तानी आर्टिस्ट yeah. भी तो वो uh, कॉन्सेप्ट था यू नो एंड एंड हाउ यू अप्लाइंगल education in that project uh, it was my thesis project actually mm -hmm. and it was a product uh, which i had to uh, bring in public as a thesis project practically mm -hmm. we had all those things involved things like uh, budgeting um, bringing artists together or um, tra traveling exhibition mm -hmm. and or usme concept building tha. तो मैंने एक्चुअली जो मेरी क्यूरेटोरियल स्टडीज़ हैं ये इस तरह से बहुत मुख्तलिफ थी कि स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में ये बहुत नया प्रोग्राम शुरू हुआ था पहला बैच हमारा था तो आर्ट लॉ एंड मैनेजमेंट का एक कॉम्बिनेशन था जो कि उन्होंने हमें सारे एस्पेक्ट्स पढ़ाए और मैनेजमेंट स्कूल उनका इन्वॉल्व था उनका लॉ स्कूल इन्वॉल्व था बेस्ट लॉयर्स ने हमें पढ़ाया आर्ट लॉ के बारे में और आर्ट हिस्ट्री एंड थेरी बेसिक हमारे कोर्सेस थे आर्ट हिस्टोरिसिटी भी था फिर एग्जिबिशन मेकिंग वाज़ अ होल काइंड ऑफ जो प्रैक्टिस थी उसको इन पब्लिक लेके आना इन प्रैक्टिस लेके आना ये था आइटम्स ऑफ डूल यूज़ इनिशिएट हुआ मेरे अपने uh, थाट्स uh, जो बिल्ड हो रहे थे मुझे क्या करना चाहिए थीसिस के लिए तो वो एक पूरे साल का काम था और उसमें हम uh, जब uh, बात कर रहे थे मैं कुछ आर्टिस्ट से रोज़ाना स्टूडियोज़ विजिट करती थी स्टॉकहोम में तो हेनरिक एंडरसन के साथ मेरी बात हुई और हम रोज़ाना एक बात करते थे आई वॉज़ लुकिंग एट द लिंक्स वट वट वर द लिंक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड स्वीडन सो क्योंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती थी और स्वीडन में रह रही थी स्टॉकहोम में रह रही थी तो वो लिंक जो था वो मुझे ट्रिगर कर रहा था कंटिन्यूसली सो आई फॉलोड दैट लिंक और फिर उसके साथ लिंक से लिंक जुड़ते गए और दो पाकिस्तानी आर्टिस्ट और दो स्वीडिश आर्टिस्ट को मैंने लिंकअप किया इस एग्जिबिशन में आयशा जतोई थी मुज़म्मिल रुहल थे पाकिस्तान से और दो आर्टिस्ट लीना पर्शन और हेनरिक अंदरशन दोनों आर्टिस्ट वो इन्वॉल्व हुए एंड इट वाज अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज आर्टिस्ट लुकिंग एट द रिलेशनशिप ऑफ इमेज इमेज मेकिंग राइटिंग एंड आल्सो हाउ इमेज बिहेव लाइक अ वेपन इन अ सोसाइटी इम्पैक्ट ऑफ इमेज रिलेशनशिप ऑफ एन इमेज एंड अूमन बींग सो इट वॉज ऑल्सो स्टडी ऑफ हाउ रेस्ट्रिक्ट वी आर एंड हाओ रेस्ट्रिक्टड वी शुड बी ये दो चीज़ें जो थी वो थीं लेकिन इट वॉज़ वेरी पोलिटिकल प्रोजेक्ट बिकॉज आई वॉज जैसे उसका टाइटल था आइटम्स ऑफ डूल यूज आइटम्स ऑफ डूल यूज एक uh, um, तजारत की एक जो है टर्म है जब आप आ, कुछ हथियार बेचते हैं कोई आ, और उसके लिए वो दो परपज़िज़ के लिए यूज़ होते हैं एक पीस मेकिंग के लिए और एक डिस्ट्रक्शन के लिए तो जो बेचता है वो आ, ये कहता है कि ये तो हम पीस मेकिंग के लिए बेच रहे हैं सो दीज आर द टू अब जो ख़रीद रहा है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वट दे डू तो ये प्रोजेक्ट इस उसमें था इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बिकॉज आई थिंक पहली दफ़ा हम लोगों ने स्वीडिश आर्टिस्ट का काम पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ देखा अंडर अ क्यूरेटोरियल प्रोजेक्ट मगर हाल ही में जो आपका क्यूरेटोरियल प्रोजेक्ट जो बहुत बड़ा और एम्बिशस प्रोजेक्ट था आर्ट फेस्ट के नाम से जिसमें आपने सौ आर्टिस्ट इमर्जिंग आर्टिस्ट को इन्वॉल्व you know, आर्टिस किया और उसमें कई सारी ना सिर्फ वो एक नई गैलरी में उसको इंस्टॉल किया मगर आल्सो उसमें एक और लेयर ऐड की डिस्कर्सिव uh, प्रोग्राम्स की तो uh, ये तजर्बा कैसा रहा आपके लिए ब्रिंगिंग आर्टिस्ट इमर्जिंग हंड्रेड इमरजिंगर हाउ चैलेंजिंग वॉज इट फॉर यू एज अ क्यूरेटर चैलेंजिंग तो हर प्रोजेक्ट होता है जब हम इनिशिएट uh, करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट लेकिन uh, इसमें हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी ऑब्वियसली एक uh, गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट था तो हमारे लिए एक ओपन कॉल देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आर्टिस्ट को ये ना लगे कि हमने उनको इन्वॉल्व नहीं किया और मैंने कुछ चुन चुनिदा लोगों को ला के और एग्ज़िबिशन कर दी तो सबसे पहले मैंने एक ओपन कॉल दी जो कि यंगस्टर्स के लिए थी यंग आर्टिस्ट को और कुछ मुझे 400 के करीब ई मेल्स और सॉफ्ट कॉपीज़ हमने काम की मंगवाई थी फिर एक ओपन ज्यूरी रखी विदाउट नेम्स के नाम हटा के हम काम को देख के एक डिसाइड करें कि कौन सा आर्टिस्ट इस जगह पे आके और कंटेम्प्रेरी आर्ट पे इट वाज एन एक्सपेरिमेंट कि कंटेम्प्रेरी आर्ट को अगर हम एक कल्चर डिपार्टमेंट लेके आता है क्योंकि ऑब्वियसली हमें आखिरकार लेके आना है तो कंटम्प्रेरी आर्ट आर्टिस्ट जो हैं वो हमेशा एक छोटी छोटी गैलरीज हैं जो कि कमर्शियल गैलरीज़ हैं हमारे पास और वहाँ पे सीरियस काम लगता है लेकिन हम डायलॉग जब लेके आएंगे एक थॉट पब्लिक में थॉट लेके आना मेरा मकसद था कि आर्टिस्ट को जो एक ट्रेडिशनली समझा जाता है कि एक पोर्ट्रेट मेकर है या लैंडस्केप बनाने वाला है और बस खूबसूरत चीज़ें बना लेते हैं और वो बेच देते हैं और दीवारों पे लग जाती हैं इसके अलावा आर्ट का कोई मकसद पब्लिक में नहीं था कराची आर्ट बिनाल कराची बिनाल के थ्रू आपने भी यही चीज़ लाने की कोशिश की है लिटरेचर के हवाले से जब हम देखते हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल सिंध लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल हर जगह हो रहा है और लिटरेचर से मुंसलिक लोगों को लेके आया जा रहा है जो कि जदीद लिटरेचर है तो क्यों नहीं जदीद आर्ट आ सकता है और फिर हमने इन आर्टिस्ट को सिलेक्शन की और जो सीनियर आर्टिस्ट को लाने का मकसद था जूनियर यंगस्टर्स जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं उनकी इंस्पिरेशन के लिए और एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ जब जूनियर अपना काम देखता है या इमर्जिंग आर्टिस्ट काम देखता है तो उसको एक खुशी होती है ऑब्वियसली बहुत सारे यंगस्टर्स आए और मेचोरिटी का लेवल भी देखता है एक्जैक्टली exactly. वहीदा आप 2003 से पढ़ा रही हैं फर्स्ट एज अ रिसर्च असिस्टेंट एंड नाउ एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट अब इसमें लॉन्ग जर्नी एंड आई एम श्योर आपके यू नो स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इंटीरियर सिंध से आते हैं uh, जिनका एक्सपोजर लिमिटेड होता है वो काफ़ी अपने टैलेंट के उस पर आते हैं बरबूते पे uh, और वो ख़ुद यू नो उनका जो जज्बा होता है वो बहुत होता है मगर ऑब्वियसली वसाइल कम होने के बावजूद उनके भी बहुत चैलेंजेस होते हैं तो आपने इस करियर में कैसे इस पूरे एक्सपीरियंस को देखा पढ़ाने के बिकॉज uh, जब वसाइल कम होते हैं तो ओबसली फिर काफ़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है पढ़ाने वालों पे कि वो अपनी क्या उसमें ऐड कर सकता है करिकुलम uh, में लर्निंग uh, एक्सपीरियंस में हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग आते हैं जो कि कोई हाई फाई एजुकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो बच्चे आते हैं और फिर आर्ट्स की तरफ वो बच्चे आते हैं जिनका कहीं और एडमिशन नहीं होता जो तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि और हर जगह पैसा होता है कुछ बच्चे होते हैं जिनका रुझान होता है पढ़ने की तरफ होता है लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एक और भी इशू है कि उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं होती हैं जिस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं लेकिन फिर भी जो तो 2003 से लेके आज तक का अगर मैं देखती हूँ तो बहुत तब्दीली आई है और जो छोटे इंस्टीट्यूशंस थे एक छोटा सा कम दो कमरों का डिपार्टमेंट था फाइन आर्ट्स अब एक बड़ी बिल्डिंग है आर्ट एंड डिज़ाइन की और जामशूरों का जहाँ तक हम देखते हैं तालीम आर्ट की तालीम के ऊपर तो जाम अब एक हब के तौर पे जाना जाता है कि वहाँ पे आर्ट के इंस्टीट्यूशंस नए बन रहे सी बना फिर अब वो एक यूनिवर्सिटी बन गई सैबजी यूनिवर्सिटी बन गई है आर्ट की यूनिवर्सिटी तो और फिर इसी तरह आर्ट एंड डिज़ाइन ये इंस्टीट्यूट है सिंध यूनिवर्सिटी में तो इंस्टीट्यूशनस अब आ, उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ कंटेम्प्रेरी अप्रोच को अपना रहे हैं जो ट्रेडिशनल एक अप्रोच थी कि सिर्फ पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग से निकल के अब लेकिन फिर भी एक चीज़ रहती है कि जो थोरेटिकल एस्पेक्ट्स वो मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान में ही अब अब तक भी हम उस पर खुल के जो है वो चेंजेस नहीं ला सके हैं तो मैं करिकुलम की बात करूंगी कि, कि करिकुलम पे हमें एक ध्यान देना चाहिए और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर जगह का अपना एक करिकुलम है हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते लेकिन जो वेस्टर्नाइज जो एक व्यू है आर्ट के ऊपर सिर्फ वही चीज़ें अगर आप किसी भी छोटे इंस्टीट्यूट में भी चले जाएं वहाँ पे दो तीन आर्टिस्ट हैं पिकासो है या वांग का नाम लेंगे या दो चार और रिमरांड आ गया तो इन लोगों के नाम लिए जाते हैं लेकिन अपने आर्टिस्ट जो पाकिस्तानी एक आर्ट हिस्ट्री है उसको नहीं देखा जाता तो मैं चाहूँगी कि अब इस तरह के अगर एग्जिबिशन होती हैं या कोई डिस्कर्सिव सेशन्स हम लेके आते हैं तो उसके साथ एक इन यंग आर्टिस्ट को लेके आना चाहिए और उनको पढ़ने की तरफ हमें लेके आना चाहिए आपका जो आप इस वक्त पीएचडी कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से और उसका आपका वो भी है यू नो जो आप रिसर्च कर रही हैं वो फोकस करता है कंटेम्परी हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान पे और ये एक बहुत अहम सब्जेक्ट अब हम सोचते हैं है, है आ, पढ़ाने वालों के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी बिकॉज़ uh, जब हम डी की बात करते हैं कि हम अपनी माशरे की जो अख्तार हैं उनको अपनाएँ अपने नज़रिए से आर्ट को समझें आ, और जो भी हमारी यू नो ज़मीन की आइडेंटिटी है उसको अपने काम में लेकर आएं आएँ तो आर्ट हिस्ट्री के बग़ैर वो नहीं हो सकता तो इसके बारे में आपने आर्ट हिस्ट्री के किस तरह से अगर आपको मौका मिले तो आप आर्ट हिस्ट्री को किस तरह पढ़ाना चाहेंगी यू नो इन इन पाकिस्तान की आर्ट हिस्ट्री को यू you नो know? देखें पाकिस्तान की आर्ट हिस्ट्री में भी रिसर्च बेस्ड काम बहुत कम हुआ है हम हमें बच्चों को रिसर्च की तरफ लेके आना होगा रिसर्च बेस्ड आर्ट हिस्ट्री एजुकेशन आ, को इन्वॉल्व करना होगा और आर्काइव्स को विज़िट करना होगा और आर्काइव्स बनाने होंगे आर्काइव्स बनाने भी होंगे और मुख्तलिफ डायलॉग्स क्रिएट करने होंगे स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी जहां आके आप आ, बात कर सकें जहां आके एक बहुत सारे एलूजन्स में हम जी रहे हैं एलूजन्स ये हैं कि जी अब तक लिखा जा चुका बहुत अच्छा लिखा जा चुका ये किताब है ये किताब है ये किताब है, है।, है लेकिन उसको री राइटिंग की तरफ लाना पड़ेगा जो कि मेरा एक आ, आर्ट हिस्ट्री का जो थीसिस है वो भी इसी बारे में है कि हमारी जो आर्ट हिस्ट्री अब तक लिखी जा चुकी है उसको आ, मैं एनालाइज कर रही हूँ मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स के थ्रू और आर्ट एजुकेशन के ऊपर भी कि आर्ट हिस्ट्री एजुकेशन किस तरह डिफ़रेंट इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करती है करती भी है या नहीं करती है जी। ये भी एक सवाल है कि क्या हम सिर्फ रटी रटाई एक नोट्स पे चल रहे हैं जो कि 1947 के बाद जो पुराने पंजाबी यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम था क्या हम उसी को फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस के जो करिकुलम मैंने अब तक देखे तो वो बेसिक उसी पैटर्न पे चल रहे हैं आर्ट अप्रिसिएशन पढ़ा ली ये पढ़ा लिया वो पढ़ा लिया तो आर्ट थेरी पे कोई बात नहीं करता आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट थेरी दो अलग मुख्तलफ सब्जेक्ट्स हैं दो मुख्तलिफ मजामी हैं जिनको हमें आर्ट फिलोसफी के ऊपर भी आना पड़ेगा आर्ट थेरी पे आना पड़ेगा और आर्ट ए, हिस्ट्री पे आना पड़ेगा और कंटेम्प्रेरी आर्ट हिस्ट्री हमें क्रिएट करनी पड़ेगी तो इससे ये नहीं है कि सिर्फ हमने पुराना पढ़ लिया और आजकल क्या हो रहा है हमें स्टूडेंट्स को गैलरीज तक लेके आना पड़ेगा म्यूज़ियम्स तक लेके आना पड़ेगा उनके साथ बैठ के कंटेम्प्रेरी आर्ट पे डिस्कशंस करने पड़ेंगे और रिसर्च बेस्ड एजुकेशन लानी पड़ेगी थैंक यू वहीदा आई थिंक अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा जिसमें आपके मुख्तलफ uh, काम के पहलू पर बात हो सकी शुक्रिया बहुत बहुत